बहादुर और ताकतवर हो गया है। उसके जवान जिस्म में देवताओं की बख्शीश खून बन के दौड़ रही है। हर पुलिस को वो काम सौंपने का वक्त आ गया है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। कौन सा वादा है माँ? बेटा हरखू, तुम्हारे पिताजी एक अधूरा काम छोड़कर देवताओं की दुनिया में चले गए। जाते समय बेटा उस काम को पूरा करने को उन्होंने मुझसे वचन ले लिया था। कौन सा काम है माँ? तुम नहीं जानते बेटा, एथेंस के राजा मेलिस के पिता ने तख्त और ताज के असली वारिस को कत्ल कर दिया और खुद राजा बन गया। पर माँ, जैसन को राजा? जैसन को राजा क्यों बनाया जाए यही पूछना चाहते हो? तो पूछ उन तीनों के आंसुओं से जो आज भी फरियाद कर रहे हैं, पूछ उन विधवाओं से जिनके सौहार्द के फूल खुद घर सियासत ने कुचल डाला, पूछ उन जले हुए मकानों से, लुटी हुई इस्मत से, मिटे हुए तहजीब से, और फिर तू खुद फैसला कर तुझे किसका साथ देना है, जुल्म का या इंसानियत का। माँ, तुम क्या समझती हो कि मैं जुल्म का साथ दूंगा, मकार और जालम बादशाहों के ताजो तख्त की हिफाजत करूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें देवताओं की उम्र नसीब हो मेरे बच्चे। मुझे देवताओं की कसम है माँ, अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बताओ माँ, जैसन कहाँ है? ये तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन लोगों से सुना है कि इंटियाग के किसी गांव में बूढ़े के साथ रहता है। उसके गले में शाही निशान है और बाजू पर अपोलो देवता का निशान। मैं जैसन को ढूंढकर उसे राय दिलाकर ही दम लूंगा माँ, मुझे आशीर्वाद दो। देवता तुम्हें कामयाब करे बेटा, मगर याद रखना जुल्म सितम के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाना, झूठ का साथ कभी नहीं देना, और कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ही होगा माँ। खुश रहो मेरे बच्चे, खेलो ताबीज, इसे अपने गले में बांध लो, ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, न तुम्हें कोई जीत सकेगा और तुम्हें कोई मार सकेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। जाओ बेटे, खुश रहो। जाओगी मेरी जान? छोड़ मुझे, किधर जाएगी? क्या खूबसूरत पंछी पकड़ के लेकर आ? अब बच के कहाँ जाओगी मेरी जान? तुम जैसी कमसिन हसीना हमने आज तक नहीं देखी। कसम है देवताओं की, हम तुझे अपने दिल की मलका बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ आगे मत पढ़ो, खबरदार चुआ के बढ़े तो मैं तुम्हारा गला फोड़ दूंगी, मैं तुम्हारा गला फोड़ दूंगी। कसम देवता, इतने नखरे तो यहाँ की मलका भी नहीं करती। आओ आओ मेरी आगोश। बड़े प्यार की मार मारती हो, एक इधर भी लड़की। तुमने हमारा प्यार देखा है गुस्सा नहीं, हम चाहे तो तुम्हें यूं ही खत्म कर दें, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें अपने दिल की मलका बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
भाई वाह, औरतों से मार खाने की रस्म हमने पहली बार देखी। रस्म देवता की, आज तक अकारा के सामने बोलने की किसी को जरूरत नहीं हुई। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जवानी पर तरस खाते हुए ये हुक्म देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओ। हमने भी किसी को मुसीबत में छोड़कर भागना नहीं सीखा। मुकद्दस देवता की कसम, तुम्हारी मौत हमारी आंखों के सामने नाचती हुई नजर आ रही है। अभी भी वक्त है, भाग जाओ वरना। देवता ने चाहा तो एथेंस में फिर मुलाकात होगी।
जी का दिल तो धक धक धड़क रहा है। दिल तो पहले भी धड़कता था मगर ऐसे नहीं। बेचारे मेलेस का दिल भी धड़क रहा होगा। चलो ना मेलेस। मेलेस जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हो कहो। ये बात सच साबित हुई
कि जैसे नाम बदलकर एंटियाक में रह रहा है। इससे पहले कि दुनिया राज के असली हकदार जैसन को पहचाने उसे खत्म कर दो। मैंने जिंदाबाद थैरो पारस। हर शरद पूर्णिमा की रात को एंटियाक में एक सात मुंह वाला सांप आदमी की बलि लेने के लिए आता है। क्या महाराज? हम तुम्हारी असली की जात देते हैं सुबारो। आपको एक इंसान की जान चाहिए ना, आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे जान से मार डालिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, देवता के लिए मेरे बुढ़ापे पर रहम कीजिए। चुप रहो बुड्ढे, मारकर इस बुड्ढे को ले जाओ और इसको इतने कोड़े मारो कि इसकी जुबान बंद हो जाए। ले जाओ इसको, ले जाओ मेरे बच्चे को, छोड़ दो, ले जाओ जान से मार डालो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। देवता के लिए मुझ पर रहम करो, मेरे पर रहम करो, मेरे बाप में छोड़ दो, ये बहुत बुढ़ा है, मेरी बात मेरी बात। मुझे सारी दुनिया उल्टी नजर आ रही है। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, क्या करूं मैं? अरे मार मत, अरे मार मत, अरे मार मत, मैं क्या कर रहा है? अरे मुझे सारी दुनिया उल्टी नजर आ रही, बचाओ।
बाबा बाबा मैं तुम्हारे बच्चे को लाया हूँ। कहाँ है मेरे बच्चे? अब्बा अब्बा मेरे पास मेरा बच्चा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। अब मुझे जल्द ले चलो समंदर के किनारे ले चल के बांध दो, नहीं तो वो सात मुहा सांप सारे गांव वालों को खा जाएगा। घबराओ नहीं बाबा, अगर देवता ने चाहा तो मैं उस सात मुहे सांप को मारकर ही दम लूंगा। देवता तुम्हारी मदद करे। चलो बाबा। चलो बाबा। मारकर इन गांव वालों पर बड़ा एहसान किया है बाबा। बेटा तुमने जशन की जान बचाकर इस देश पर बड़ा उपकार किया है। जशन हाँ, यही जशन है। नहीं नहीं, ये जशन नहीं, ये जशन नहीं, ये नरवरी नरवरी। मेरा बच्चा, उसे छुपाने की कोशिश ना करो बाबा। मैं तुम्हारा और जैसिन का दोस्त हूँ। मैं एंटीएक में जैसिन की ही खोज में आया। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि जैसिन को राज दिलाकर ही दम लूंगा। मैं हरप्रीत हूँ बाबा। हरप्रीत? हाँ, ये देखिए लॉकेट, मेरी माँ ने दिया है जैसिन की पहचान के लिए, और ऐसा ही लॉकेट जैसिन के गले में भी है। मेरे पास आओ बेटा। हाँ बाबा। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ बेटा। जशन की जान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझना। बाबा मुझसे वादा करो बेटा, मुझसे वादा करो प्लीज, ताकि मैं मिलान और सुकून से दम तोड़ सकूं। बाबा वादा करो, वादा करो। मैं वादा करता हूँ बाबा। बाबा 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 बाबा, जो देवता को मंजूर है वो होकर ही रहता है बाबा। मैं देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि बाबा का बदला मैलिस से जरूर लूंगा। मैलिस। सुबारो महाराज, आज मैलिस और एथेंस तुम्हारा और तुम्हारी वफाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आज फिर से तुमने हमारी हजारों मुसीबतों और तकलीफों की जिंदा तस्वीर जैसन के जिस्म के सात मुई दरिंदे से टुकड़े टुकड़े करवाकर हमारी सारी चिंताओं को राहत दिलवाई है। हम तुम्हें तुम्हारी वफाओं का क्या सिला दें। वफादारी तो मेरा फर्ज और ईमान है महाराज। सुबारों ने आज तक अपनी वफादारी का कोई मुआवजा नहीं मांगा। मेरी तो एक ही ख्वाहिश और इल्तिजा है कि हेलन को आपके हवाले करके
एक अच्छे बाप का फर्ज अदा कर सकूं। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं सुबारो कि जैसन की मौत और हेलन की शादी का जश्न एक ही दिन मनाया जाएगा। हाँ सुबारो, पारस एंटियाक से अभी तक नहीं लौटा। जैसन की मौत की खबर लेकर पारस अभी आता ही होगा महाराज। जिंदगी में ये मेरी सबसे पहली हार है डायना। मैं किस मुंह से जाके मैलिस को ये कहूं कि मैं हार के आया हूं। इसमें घबराने की क्या बात है पारस? जब तुम मायूस हो जाते हो तो मुझे सारा जहां मायूस नजर आता है। पारस पारस गजब हो गया। हरकुलिस ने सातवें साहब को भी मार दिया, और इतना ही नहीं, उसने जयसिंह को पहचान लिया है और उसे राज दिलाने के लिए यहाँ ले आ रहा है। सातवें साहब को मार डाला, ये तो और भी अच्छा हुआ। जिस आदमी ने सातवें साहब को मार डाला उसे भला तुम कैसे मार सकते थे? अब तो तुम मैले से साफ साफ कह सकते हो। तुम ठीक कहती हो डायना, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी जाकर मैलेज को सारी हकीकत से वाकफ कर देता हूँ। रानी जी, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी दीवानी हो जाओगी। अगर कहो तो उसके हाथ पांव जोड़कर यहीं बुला ले आऊं। बुलाने की क्या जरूरत है, हम खुद हाजिर हैं। आप? हाँ हेलन, हुस्न याद करे और इसका हाजिर ना हो। तुम्हारे दिल की धड़कनों ने हमें बेकरार कर दिया है। तुम्हारे इस शौक और अलमस्त अंदाज को देखने के लिए हम यहाँ तक चले आए हैं हेलन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश मैं आपको अपने दिल का हाल बता सकूं। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं हेलन, तुम्हारा ये संगमरमरी हुस्न सदा हमारा रहे, इसलिए तो हमने तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी मुझसे? हाँ हेलन, वैसे तो हजारों हसीन से हसीन लड़कियां हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, मगर हमने अपना दिल तुम्हारे कदमों में निछावर कर दिया है। आओ। सात मारा गया और हरकुलिस जयसन को लेके इधर ही आ रहा है। सात मुआ सांप मारा गया? हाँ। गजब हो गया पारस, पर परवाह न करो, मालूम होता है हरकुलिस की मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है।
सुनो, क्या कुछ नहीं कर सकते रानी। इसके असली जैसन होने का सबूत है? नहीं, मैं नहीं मानता, ये धोखा है, फ्रेब है। धोखा और फ्रेब तो तुम कर रहे हो हरकुलिस, अपनी ताकत के नशे में एक झूठा हकदार खड़ा करके असली जैसन से राज छीनना चाहते हो। हाँ, मैं राज लेकर ही रहूंगा। मगर याद रखना, जुल्म सितम के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाना और कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना। नहीं। Thank you.
मेरा दिल कहता है असली जैसी यही है। जज्बात और हकीकत में बड़ा फर्क होता है मेरे अजीज। हम दोनों ही ये चाहते हैं कि असली जसन को राज मिले, तो क्यों नहीं इसका फैसला देवता पर छोड़ दिया जाए। देव जिसे कहे राज उसे ही सौंप दिया ना। क्यों, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। मरहबा। तो हम ऐलान करते हैं कि देवता के सामने कल इसका फैसला होगा। ठीक है। लेकिन आपको इतना बखेड़ा करने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार कसम देवता की, अगर आप हुक्म दें तो हम उसको चुटकी में खटमल की तरह मसल। हाँ चरखरी, ये काम इतना आसान नहीं है जितना कि तुमने समझ रखा है। हरकुलिस बहुत ताकतवर है, हमें उसके साथ ताकत से नहीं अक्ल से काम लेना होगा। पारस, हमें हरकुलिस को मेडुसा की लालमणि लेने के लिए भेज देना चाहिए। वहां आज तक न कोई पहुंच सका है और न कोई पहुंच सकेगा, और अगर किसी तरह ये वहां पहुंच भी गया तो मेडुसा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लालमणि में मेडुसा की जान है, फिर हर तरफ हरकुलिस की मौत ही मौत है। कसम देवता की हुजूर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। पारस, पुजारिन को समझाना तुम्हारा काम होगा। ये मुझसे नहीं होगा। ये सब कुछ जानते हुए भी कि मेडुसा के पास जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता, मैं किसी को मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ? डायना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैलिस हम दोनों के प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। वो तुम पर मोहब्बत का इल्जाम लगाकर हम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। डायना, तुम्हें मैलिस का कहना मानना ही होगा। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूँ। दिखता है मगर मालिक की मेहरबानी से ऐसा तो कभी कभी दिखता है। क्या कहे? क्या कर रही हो महल में इतनी बेतकल्लुफ? अगर ऐसा मालूम होता तो मैं रोज आता। छोड़ दे मेरा। हाँ, ऐसा मत किया करो, वरना ये कलाई में मोच आ जाएगी ना, तो जिंदगी भर मुझे निभाना पड़ेगा। मेरी सस्परी। क्या कहा? सस्परी? मेरा नाम तो रसभरी है। रसभरी? रसभरी, मुझे ये नाम भी पसंद है। समझ गई आप? अरे, तुम भी उस पहलवान के दोस्त हो? कौन सा पहलवान? वो मोटा सा लंबा था। वो? अरे वो मेरा शागिर्द है। अच्छा? पहलवान तो ये सुन, करकरी, जर्जरी, भरभरी, इन सब का उस्ताद ये मरकरी। मरकरी? ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुझे मेरा नाम पसंद है? मैं तेरे कुर्बान। तुझे कुर्बानी के बकरे मैं तुझे जिबा कर दूंगा। मगर क्यों? जानता है मैं कौन हूँ? कौन है? मैं मजलिस का चमचा है खास। मजलिस का? मजलिस का नहीं, मेलिस का चमचा है खास। मस्का है बेबार, मैं तुझे मस्का लगा दूंगा तो मैं खुश होऊंगा। खुश होगा? अच्छा, नाराज होऊंगा। मगर एक बात बता, बोल। जब दो हस्तियां कहीं प्यार करती हो तो तीसरे को आना चाहिए। कसम देवता की, बहुत बड़ी गलती है, माफ करना है। मैं जाता हूँ। शाबाश शाबाश। क्या कहा? मेरे महल में मेरे होते हुए मेरी वाली से कसम देवता की मैं तेरा गला तुझे कबूतर बना दूंगा, समझा? प्यारी रसभरी। हाँ मेरे प्यारे चरकरी। हाँ, तुम दोनों को देखकर मुझे आ रही है गुस्से में थरथरी। तो थरथरता रहना, हमें क्यों परेशान करता है? चल सुन, तो इधर आ, इधर आ। मैंने कल एक शेर लिखा हुआ, अभी याद आ गया। इश्क में अंगूर खट्टे हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। इश्क में अंगूर खट्टे हो गए और हम भी आप ठहर उल्लू के पट्टे हो गए। सुन इधर आ, इधर आ। क्या घड़ी? इधर आ घड़ी, इधर आ घड़ी, इधर आ। बोल, मुझे इसके ले जाने का गम नहीं, नहीं मगर खुशी इस बात की कि तू भी शायर। खुशी कितना अच्छा शायरी, शायरी के पीछे लड़की दे गया। देवता बता, इन दो जैसन में असली जैसन कौन है? जाओ मेडुसा से जाकर लाल मणि ले, लाल मणि। लाल मणि लाकर देवता पर चढ़ाने से ही देवता सच और झूठ का फैसला करेंगे। मेडुसा से लाल मणि? लाल मणि? हरकुलिस, अगर तुम्हें असली जैसन का पता लगाना है तो
तो हमारे देवता के कहने के मुताबिक मेडुसा से लालमणि लानी होगी। मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं मेडुसा से लालमणि लेकर ही आऊंगा ताकि असली जैसन का पता चल सके। आप लोगों ने मेरी सच्चाई को ललकारा है। मेरी गैरत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि अकेला हर कुछ इस लालमणि लेने जाए। मैं भी उसके साथ लालमणि लेने जाऊंगा। क्यों नहीं, हम तुम्हारे जज्बातों की कद्र करते हुए तुम्हें हरकुलस के साथ जाने की इजाजत देते हैं, अगर हरकुलस को एतराज न हो। सच्चाई का साथ देने में हरकुलस कभी पीछे नहीं हटता। मुझे पास का साथ भी मंजूर है। तो जाओ। शाबाश भारत, शाबाश। अगर तुमने हरकुलस को खत्म कर दिया तो हम तुम्हारी शादी डायना के साथ कर देंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। हरकुलिस, मत जाओ हरकुलिस। मगर डायना, तुम तो जानती हो मैं मजबूर हूँ। घबराओ नहीं, मैं वहां जाकर जल्दी वापस आऊंगा। हरकुलिस अपने वादे और फर्ज पर मरना पसंद करेगा। बेहतर है कि तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ कि हम कभी मिले। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हरकुलिस। मर्द हो ना, इसलिए भूल जाने को कहते हो। औरत के दिल को तुम क्या समझो। जाओ। हाँ, जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, इस उम्मीद पर कि तुम जरूर लौट आओगे। हरकुलिस। जश्न में नाच, नाच में शराब और शराब में जहर। बेवकूफ हरकुलिस और जश्न, शाबाश। वरो हम तुम्हारी अक्ल की दाद देते हैं।
चल एक एक पल किसको खबर तो बेखबर पानी में भी आग हो देख देख चल ये लोग तुम्हें मार डालना चाहती हैं इसमें जहर है आज हम जिंदा ना बचते ये तो मेरा फर्ज था हेलन फिर कुलीश अच्छा है ना अब तुम घर चली जाओ हमें अपने मंजिल की ओर जाना है लेकिन मेरी मंजिल तो तुम हो हरकुलिस तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ और फिर ये सब जानने के बाद कि मैं तुम्हें बचाने आई थी मैलिस मुझे मार डालेगा नहीं 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 जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी तुम ठीक कहती हो लेकिन हमारा रास्ता बहुत कठिन है कदम कदम पर मौत अपना मुंह फैलाए बैठी है मौत मैं मौत से नहीं डरती हरकुलिस तुम्हारे साथ रहकर मैं हर मुसीबत का सामना खुशी से करूंगी हेलन तुम्हारे साथ जीऊंगी तुम्हारे साथ मरूंगी अच्छा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो हम साथ चलेंगे हरकुलिस हेलन सुबारो महाराज हरकुलिस के बारे में अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली महाराज सराय का मालिक अभी खबर लेके आता ही होगा मैंने उसे बुलवाया महलेश जिंदाबाद लीजिए वो आ गया महाराज खादिम हरकुलिस के बारे में कुछ खबर लेकर आया सुनो गुनाहों की माफी चाहता हूँ सरकार हरकुलिस और जैसन दोनों मेरे हाथ से बचकर निकल गए क्या कहा हाँ महाराज मैंने उनकी मौत का पूरा इंतजाम कर लिया था लेकिन ऐन मौके पर हेलन ने आकर सब मामला चौपट कर दिया और उनके साथ भागकर चली गई हेलन तुम जा सकती हो सुबारो हेलन वहां कैसे पहुंच गई मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज मेरा ख्याल है कि मार्कस की बेवकूफी की वजह से वो भाग निकली होगी मगर आप बेफिक्र रहिए पारस हरकुलिस को खत्म करके ही लौटेगा पारस तो तुमको ये शर्त मंजूर है मुझे मंजूर है जाओ हरकुलिस कुछ करो जैसन को बचाओ वरना वो मारा जाएगा
वाह वाह वाह, कितनी जोर से फूंक रहा है तू, अरे कितनी जोर से, शाबाश चकली चाचा। मैं फूंक रहा नहीं हूँ, ये हवा आ रही है, हवा। हाँ? हाँ? चल 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 झूठा दे दे। अरे सर कुछ हवा, ठंडी ठंडी हवा। मेरी जान हो तुम, मेरा ईमान हो तुम, मेरी अरमान मेरी अम्मा ही हो तुम। ओ जाओ जाओ बच्चों, कहां से चली आई मालूम नहीं। ये जज्बे शहादत का हासिल नजर आता है, जो पर्दा उठाती हूँ
तो कातिल नजर आता है। कातिल? और नहीं तो क्या। अच्छा तो मैं कातिल ही थी। Oh,
छोटी मासूमियत की कि दिल दीवाना हुआ जाता है। रोकती हूँ बहुत इसको, मगर फिर भी ये दीवाना हुआ जाता है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार करता हूँ। और नफरत भी करते हो? हाँ, नफरत भी करता हूँ। जी चाहता है जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह मिट्टी का बुत बनाए रखूं और तुमसे खेलती रहूं। तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी किसी अजनबी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगी। फिर तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें इससे सच्चा प्यार है तो मैं इसे जरूर आजाद कराऊंगी, जरूर आजाद कराऊंगी। डरी गई थी। लो ये पी लो। पी लो? हाँ हाँ पी लो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? हरकुलिस कहाँ है? इतने सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें एक साथ कैसे दे सकती हूँ? आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें एक एक करके सबका जवाब देती हूँ। बैठो ना। मैं वीनस हूँ। यह हसीनों की दुनिया है, यहाँ औरतों का राज है। यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग ये माया जल पीकर अपने होशो हवास खो बैठते हैं, और ये औरतें इनकी बेहोशी में उनके साथ रंगरलियां मनाती हैं, और आखिर में उन्हें एक दिन देवता की भेंट चढ़ा दिया जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले अपने पिताजी के साथ यहाँ आकर फंस गई थी, और तब से आज तक तुम भी? नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, पर भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। न जाने क्यों मैंने तुम में एक आशा की झलक देखी, और उसी आस के सहारे मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस चुड़ैल देवदासी से ही अमृत जल चुरा लाई ताकि तुम्हें रिहाई दिला सकूं। क्या तुम मुझे यहाँ से ले चलोगे? जरूर ले जाऊंगा। तुमने जो मेरी जान बचाई, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। विनस, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें लिए बगैर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? थोड़ा सा अमृत जल और लाकर हरकुलिस को पिलाना होगा, ताकि वो हम सब लोगों को यहाँ से बचा सके। हरकुलिस तो रानी के पास है, और वहां कोई नहीं जा सकता। मगर मैंने यहाँ के माया जाल को तोड़ने के राज का पता लगाया है, अगर तुम हिम्मत करो तो। बताओ वो राज क्या है? मैं अपने साथियों की रिहाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गुफा है, उस गुफा में एक मूर्ति है, उसी मूर्ति से ये माया जाल निकलता है। अगर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो ये माया जाल टूट जाएगा और तुम्हारे सभी साथी आजाद हो जाएंगे, और वो नीच चुड़ैल देवदासी जिसके चुंगल में सभी फंसे हुए हैं तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हरकुलिस औरों की तरह मारा जाएगा। हसीनों की दुनिया का दस्तूर न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। लेकिन मैं हरकुलिस से मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। मेरे लिए तुम्हें उसे रिहा करना ही होगा। हसीनों की दुनिया में मोहब्बत करना जुर्म है, और अगर तुम यहाँ की रानी ना होती तो तुम्हें भी हरकुलिस के साथ जिंदा जला दिया जाता। तुम जा सकती हो। काश कि मेरी
जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरती रहे और तुम सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ मुझे ही देखते रहो, क्यों? ठीक है ना? हाँ रानी। हरक्यूलिस रानी। बहुत शैतान माया जल। ये क्या हुआ? द्वारा कैसे बंद हो गया? तुम लोग इनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा। अगर तुम हसीनों की दुनिया की भलाई चाहती हो तो मेरा कहा मान। लो ये जल पी लो, घबराओ नहीं, सब ठीक। हरक्यूलिस हाजिर है। हरक्यूलिस! माँ, माँ दया करो, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, बहन की भीख मांगती हूँ। माँ, माँ दया करो। सही सलामत जा रहे हैं, वरना यहाँ से तो आज तक कोई लौटा ही नहीं। क्यों, क्या बात है? ये मायावी जल पीकर हम लोग अपने होश और हवास खो बैठे थे। विनस की ही तरकीब से हम लोग यहाँ से आजाद हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ अब यहाँ से चले। भैया, विनस बहुत मुसीबत में है और मैंने इसे वादा भी किया है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ओहो, तो चलो इसे भी साथ ले आते। Thank you.
आगे मेडुसा की हद है और ये उसका दरवाजा है। इसके आगे हवा जहरीली है, जो भी वहाँ जाता है खत्म हो जाता है। कुछ भी हो मुझे वहाँ जाना होगा और लाल मणि लानी होगी। जिद न करो, मेरी बात मानो, वहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। वेनिस ठीक कहती है हरकुलिस, मत जाओ। मैं जरूर जाऊंगा हरकुलिस। तुम मेरी फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग यहीं ठहरो। चटनी बना देगा चटनी गलियार। Thank you.
ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सच कहता हूँ मालकन, सच कहता हूँ। हरकुलिस ग्वालियर को शिकस्त दे सकता है, लेकिन मेरी चाल में जरूर फंस कर रहेगा। देवता मदद कर। हरकुलिस, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपनी मनी मिली और मुझे अपना हीरा। हेलन, जैसे हरकुलिस लाल मनी ले आया है, अब तो तुम राजा बन जाओगे, मुझे भूल तो नहीं जाओगे। नहीं ना, नहीं। पारस, तुमने तो वायदा किया था ना कि तुम जल्दी लौट आओगे। Thank you.
रहा है ना। पारस उठ, ये अच्छा मौका है, हर पुलिस को खत्म कर दे। जान लेने के लिए तुम्हारे साथ भेजा था और मैंने बार बार कोशिश भी की तुम्हारी जान लेने की, पर ये मैं सब कुछ जानता हूं पारस। है ना, सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज था। तुम वाकई में देवता हरकुलिस, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला मेरी जान देकर के भी नहीं चुका सकता। आज से हम तुम दोनों दोस्त हैं, दोस्त हरकुलिस। चलो अब हमें जल्दी अर्जुन चलना चाहिए। सुबारो महाराज, हरकुलिस की अभी तक कोई खबर नहीं, हमें हर ऐशो आराम में उसी का डर लगा रहता है। महाराज, आपने हरकुलिस को ऐसी जगह भिजवा दिया है जहां से उसकी खबर आ ही नहीं सकती। वो तो आपके चालों में फंसकर बेमौत मारा गया होगा, बेचारा हरकुलिस। जंगल से अपना पीछा छूट गया है। हाँ? ये आज अपना आखिरी पड़ाव है। इसका मतलब कल से हम अथेंस में होंगे। हाँ, अपने देश में। हाँ। देवता की मेहरबानी से हम मेडूसा से लाल मणि ले आए हैं। वादे के मुताबिक अब जल्द ही असली जैसन को राय दे दिया जाए। हरकुलिस, हम तुम्हारी बहादुरी और जवां मर्दी से बहुत खुश हुए। हम तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल ही लाल मणि देवता को चढ़ा दी जाएगी और उनके फैसले के मुताबिक असली जैसन को राज सौंप दिया जाएगा। मार्कस, हरकुलिस और उनके साथियों के रहने का शानदार बंदोबस्त किया जाए। मैली जिंदाबाद। आइए। मार्कस, हरकुलिस जिंदा वापस लौट आया और तुम कुछ न कर सके, लाना था तुम। मैंने हरकुलिस को मारने की लाख कोशिश की मगर नाकामयाब रहा। वो बहादुर के साथ साथ नेक इंसान भी है, इसीलिए देवता उसकी मदद करते हैं। मेरा ख्याल है कि हरकुलिस से हार मानकर असली जैसन को राज गद्दी दे दी जाए। हम तुमसे मशवरा नहीं चाहते पारस, हुक्म की तामील चाहते हैं। तो अंजाम अभी सुन लो, तुम लोग हरकुलिस के हाथों मारे जाओगे और असली जैसन राजा होगा। मैं अभी जाकर तुम्हारी सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देता हूं। इसकी नौबत ही नहीं आई। चुप रहो, ले जाओ इस कमबख्त को, पर्दाफाश कर देता हूं।
पुलिस को किसी भी तरह खत्म नहीं कर सकते। हमें तो डर लग रहा है कि जब अपने ही आदमी उसके होने लगे हैं तो ये राज ये पहाड़ सब चौपट न हो जाए। महाराज आप मायूस न हो, दैविक ताकत की वजह से हम उसे खत्म नहीं कर सके, वरना हम उसे चिमटे की तरह मसल डालते। मगर उसकी ताकत का राज, उसकी ताकत का राज महाराज, उसकी ताकत का राज सिर्फ उसकी मां को ही मालूम हो सकता है। क्यों नहीं उसकी मां को बहका दिया जाए और उसकी ताकत का राज हासिल कर लिया जाए। शाबाश सुमारो, हम तुम्हारी अक्ल की दाद देते हैं, लेकिन हरकुलिस की ताकत का राज पता करने से पहले हमें वो लालमणि अपने हाथ में कर लेनी चाहिए, वरना हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। महाराज आप हरकुलिस की मां को बहकाने का बंदोबस्त कीजिए और लालमणि की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसा ही होगा सुमारो, ऐसा ही होगा। बिल्कुल, अब मैं हरकुलिस की मां के दिल में हरकुलिस के खिलाफ इंकलाब ला दूंगा सुबारो। एथेंस के महाराज आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेलिज ने ज्यूस देवता के हुजूर में हमेशा सच बोलने की कसम खाई है। हम सच कहें हरकुलिस जेसन के लिए नहीं खुद अपने लिए ताजो तक चाहता है। ये कभी नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह पहचानती हूँ। हरकुलिस अपना वादा नहीं तोड़ सकता। हम एक माँ के जज्बात की कत्ल करते हैं, लेकिन हरकुलिस हेलन के इश्क में सब कुछ भूल चुका है। वह उसे मलिका बनाने के लिए खुद एथेंस का राजा बनना चाहता है। महाराज आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम समझ गए, आपके फर्ज पर ममता की गहरी चादर पड़ चुकी है। काश हम आपको यकीन दिला सकते कि आपका बहादुर बेटा अपने ताकत के गरूर में कितना बदल चुका है। आप हम पर शक कर सकते, लेकिन क्या आप अपनी आंखों पर भी एतबार नहीं करेंगे? क्यों नहीं? तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखा देंगे कि आपका बहादुर बेटा हेलन के इश्क में माँ की ममता और अपने वादे को कैसे भूल चुका है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। चलिए आइए। और पारस नजर नहीं आते, उन्हें पेश किया जाए। लालमणि देवता पर चढ़ाकर रस्म जश्न इंसाफ शुरू किया जाए। मुझे अफसोस है, लालमणि खो गई है, इसलिए आज देवता पर मणि नहीं चलाई जा सकती। मणि खो गई? तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी के हाथ से मणि कैसे गुम हो सकती है?
मैली जिंदाबाद। दूसरे जैसन पारस का खून कर दिया गया। खून? खून किसने किया? अब तो सारी बात समझना आसान हो गया महाराज। राजा बनने की चाह में हरकुलिस ने एक जैसन का खून कर दिया और वक्त की कमी के कारण दूसरे जैसन का खून वन नहीं कर सका, इसलिए मणि खोने का बहाना कर दिया। हरकुलिस, हमें तुमसे कभी उम्मीद नहीं थी। तुम जैसा बहादुर आदमी राजा बनने के लालच में इतना गिर जाएगा। मैलीज, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, इसके आगे कुछ कहा तो। तुम अपनी ताकत के जोश में हमें साफ साफ कहने से नहीं रोक सकते हरकुलिस। तुम्हारे काले कारनामे खुद गवाह है कि तुम हेलन के प्यार में फंसकर खुद राजा बनना चाहते हो, वरना तुम जैसे बहादुर आदमी के हाथ से कोई मणि छीन सकता है? मार डालूंगा। मार डालो हरकुलिस, मार डाल, ताकि तुम्हारी माँ अपनी आंखों से अपने बदनीयत और नालायक बेटे का सही रूप तो देखे। मैलिस ठीक कह रहा है, तुम जैसे बहादुर से मणि कौन छीन सकता है? दूर हट नालायक, मुझे मारना था, तुमने जैसन का खून किया। माँ, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हरकुलिस ने जैसन को राजा बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, भला ये मणि क्यों चुराने लगा? हेलन, हेलन तू ही और नागन है जिसने मेरे सोने जैसे बेटे को गुमराह किया, इसे खूनी और बागी बनाया। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं तेरा गला काटूंगी। मां, बिना सोचे समझे किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तू एक लड़की के लिए मुझे डर रहा है ना लालक, तू इस लड़की के लिए अपनी माँ को इस तरह डांटेगा? ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, तू इतना नीच हो जाएगा, इतना गिर जाएगा। मां, तुम गलत सुन रही हो। मैं वादा करता हूँ कि दो दिन के अंदर अंदर लाल मणि लाऊंगा। अगर नहीं लाऊंगा तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। जश्न इंसाफ, दो दिन के लिए मुल्तवी किया जाए। आइए माजी, आपको आराम की सख्त जरूरत है, आइए। हमने जो कुछ कहा था वो सब ठीक था, मगर आप घबराइए नहीं, हम उस मणि को ढूंढवाने का बंदोबस्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो मणि जरूर मिलेगी। और अगर वो मणि न मिली तो हमें तो राज्य देना है, फिर चाहे वो जैसन हो या हरकुलिस। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं जैसन को राजा बना कर रहूंगी, अगर हरकुलिस ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं उससे उसकी ताकत छीन लूंगी। देवता, तुम मुझे सही रास्ता दिखा। मार्कर, इनकी तबीयत खराब है, इनके आराम का बंदोबस्त किया जाए। बहुत अच्छा कि ताकत के राज का पता नहीं चल सका है, अगर उसका राज मालूम हो जाए तो हमारी सब मुसीबतें आसान हो सकती है सुबारो। महाराज, गुस्से में उसने इतना तो कह ही दिया है कि मैं तुम्हारी तमाम ताकत छीन लूंगी। मेरा ख्याल है कि अगर उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए तो वो सब कुछ बता देगी, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जयसन का खून करवा दिया जाए और इल्जाम हरकुलिस के सर मर दिया जाए। जब उसे इस बात का पता चलेगा तो बौखला उठेगी और होश और हवास खोकर सब कुछ बता देगी। शाबाश, मगर ये सब होगा कैसे? आप बेफिक्र रहिए महाराज, मैंने इसकी तरकीब निकाल रखी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर करी? क्या बात है पिताजी, आज आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, आज हम एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ गए। उलझन? कैसी उलझन? तुम नहीं जानती बेटा, बहुत दिनों से एक आग हम अपने सीने में छिपाए बैठे हैं, आज वो आग शोले भड़का देना चाहती है। मैं कुछ समझी नहीं, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है बेटा, वो शैतान महलीज जैसन को जान से मार देना चाहता है। पिताजी। हाँ बेटा, हम ठीक कर रहे हैं, हमारा जमीर कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर तुम तो जानती हो बेटा, हम एक मुलाजिम हैं और वफादारी मुलाजिमत का फर्ज है। बेटा, अगर तुम चाहो तो जैसन को बचा सकती हो। मैं पिताजी? हाँ बेटा। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? उसे फौरन शहर से दूर नीली झील के किनारे ले जाओ, वरना आज रात उसकी जान खतरे में है। जी, ऐसा ही होगा, मैं भी जाकर जैसन को बचा देती हूँ। बेटा, जल्दी करो बेटा। ये
बेचारा जयसिंह। जैसे खोल रहे दीदी, क्या हुआ दीदी? मैंने इसमें जयसिंह को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अगर वक्त पर खबर ना मिलती तो न जाने क्या हो जाता। मगर क्या करूं, हरकुलिस पे इस वक्त यहाँ नहीं है। फिर क्या होगा दीदी? मरकुरी उन्हें लेने गया है। ऐसा करो वीनस, तुम जयसिंह को लेकर मेरी झील के किनारे पहुंच जाओ और देखो हरकुलिस के आने का इंतजार करना। जाओ। अच्छा दीदी, मैं इतना कमजोर तो नहीं कि मैलिस मुझे मार सके। मैं नहीं जाऊंगा दीदी। ओ, मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, मगर इस वक्त तुम्हारे यहाँ से जाना ही ठीक है जयसिंह। वीनस, देर तक ही जयसिंह को यहाँ से ले जाओ, इसी में इसकी भलाई है। हाँ जय, दीदी ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया है। आओ हम यहाँ से चले। जाओ जल्दी करो। आओ ना। डायना, तू यहाँ कैसा आई? हाँ पारस, मैं जान की बाजी लगा कर तुम्हें छुड़ाने आई हूँ। किले के बाहर रथ खड़ा है, तुम फौरन यहाँ से चले। तुम डायना, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं मौका पाकर तुमसे आ मिलूंगी। चलो चलो चलो। महाराज, मैंने वीनस और जयसिंह को नीली झील का किनारे भिजवा दिया है। आपका सब इंतजाम तो ठीक है ना? कसम देवता की सब काम बराबर है, आदमी भी और झिल्ली भी। अब हुक्म की देर है, झिल्ली मुंह पर लगाते ही अपना पहलवान भी बिल्कुल हरकुलिस लेगा, कसम देवता की। तो जाओ, मगर देखो कोई गड़बड़ ना होने पाए। कसम देवता की, ये गड़बड़ तो अपनी किताब में नहीं लिखी। जयसिंह, मुझे तो डर लगता है कहीं तुम राजा बनने के चक्कर में अपनी जान न खो बैठो। मैलिस इतना खराब आदमी है कि मालूम नहीं कब क्या कर बैठे। मेरी बात मानो, चलो हम यहाँ से भाग चले और कहीं दूर जाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारे। नहीं वीनस, यह तो हरकुलिस के साथ गद्दारी होगी। उसने अपनी जान जोखिम में इसलिए डाल दी कि मुझे अपना हक मिले। हरकुलिस, मुझे तो अब उस पर भी शक होने लगा है। मैं समझती हूँ मणि उसी के पास है और उसने जानबूझकर राजा बनने के लिए ही मणि छुपाई है। ऐसी बात कभी मुंह से न निकालना वीनस, हरकुलिस कभी ऐसा नहीं करता। तुमने उसे गलत समझा। नहीं वीनस, ठीक कहती है। मणि मेरे पास है और मैं राजा बनना चाहता हूँ। हरकुलिस। हाँ, हेलन को कहकर तुम्हें यहाँ बुलाने की साजिश भी मैंने ही की है। पहले तुम्हारा खून करूंगा और फिर एथेंस का राजा बनूंगा। तुम राजा बनना चाहते हो ना? बेशक बनो, पर इसमें मेरे खून की क्या जरूरत है? हरकुलिस, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हें राजा देखकर खुशी होगी। हरकुलिस। नहीं हरकुलिस, मैं जिंदा छोड़ने की गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिंदा रहकर फिर कभी ना कभी अपना हक मांगो। हरकुलिस, पहले ही शक था
कि यह असली हरकुलिस नहीं हो सकता। आओ चलें और चलकर असली हकीकत का पता लगाएं। तुम महेश की चाल में आकर हरकुलिस पर शक करने लगी हो। वो इंसान नहीं, देवता है। देवता है माँ। अगर मनी ना मिली तो वो अपनी जान दे देगा। तुम उस पर यकीन क्यों नहीं करती माँ? उस पर यकीन करो। ये मनी का इस तरह गायब हो जाना, ये मैलिस की एक चाल है। खो। हम हेलन के दुरुम देसी की दाद देते। महारानी बनने के लिए हेलन अब शायद कोई नया पासा फेंक रही है, मगर माँ जी ने हकीकत अपने आंखों देख ली है। अब उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। ये झूठ है, ये झूठ है। बचाइए महाराज, बचाइए। जैसन को हर तरह से बचाइए, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। क्या कहती हो? ठीक कहती हूँ महाराज। हेलन ने बहका कर मुझे और जैसन को नीली छील के किनारे भेज दिया, ताकि हर पीस जैसन का खून करके आराम के राजा बन सके। दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मेरे जैसन को बचा लीजिए, नहीं तो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। दया कीजिए महाराज, जल्दी कीजिए। तुम घबराओ नहीं वीनस, हम जैसन को कभी नहीं मरने देंगे। मारकर अपनी फौज ले जाओ और जैसन की रक्षा करो। बहुत हो, मैंने जिंदाबाद। नागम खूब जाल बच रही हो। नहीं माँ, ये झूठ है, ये सब झूठ है। हर चीज कभी ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है ये मैलिस की नई चाल हो। ये बहुत खतरनाक आदमी है माँ, इसकी बातों में नहीं आना। हो चोरी और फिर सीना चोरी, ये कोई तुम से सी। पहले जिंदाबाद क्या है? हरकुलिस ने जैसन को मार डाला और लाश का कहीं पता नहीं। ये मिले कपड़े। हो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर जैसन जिंदा नहीं रहा तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खून कर दूंगी, खून कर दूंगी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे देवता, ये क्या हो गया? हर पुलिस अपना नीच हो जाएगा, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब उस नीच का मुंह देखने से पहले मैं मर जाना चाहती हूँ। मैलिस जिंदाबाद। हरकुलिस ताकत के नशे में झूमता हुआ इधरी आ रहा है। हरकुलिस आ रहा है तो आने दो, हम आराम से उसे राज्य दे देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर उसे अपनी ताकत का घमंड है तो उससे उसकी ताकत छीन ली जाएगी। अपनी नापाक जबान से माँ का नाम न ले। तू समझने लगा था कि ताबीज के होते हुए तुझे कोई नहीं मार सकता। इसी ताकत में से मैं तुमने जैसन का खून कर दिया। जैसन का खून? ये क्या कर रही हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी ताकत मैंने छीन ली है। तुम्हारे राजा बनने के सपने को मैंने मिट्टी में मिला दिया। कल तुम्हें तुम्हारे काले कारनामों की सजा सरेआम दी जाएगी, ताकि दूसरों को इज्जत हासिल हो। माँ मैं सच कहता हूँ, मैंने खून नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं माँ, मैं सच कहता हूँ। हर कोई बड़े बेशर्म, माँ के सामने झूठ बोल रहा हो। सिपाही हो, देवता कर ली। माँ अगर तू ये समझती है तो खून मैंने किया है तो मुझे मर देना चाहिए, मुझे मर देना चाहिए। पकड़ो मुझे, ले जा। आइए माँ जी। पिताजी, 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 आपने मुझे मुझे बहकाकर जैसन को नीली झील के किनारे भिजवा दिया, उसका खून करवाकर इल्जाम हर पुलिस पे लगवा दिया। आपने अपनी बेटी को गंदी हरकतों का हथियार बनाया है। आप इतने गिर सकते हैं, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपको पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। आपने हरकुलिस की मां को उसके खिलाफ बहकाया, आपने जैसन का खून किया और अब हरकुलिस का खून करने को उतर आए, इसलिए कि एक दिन उसने आपकी बेटी की जान बचाई थी। वाह पिताजी, खूब बदला दे रहे हैं उसके एहसानों का। हेलन! लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हर किस नहीं होने दूंगी। अब आपके काले कारनामों की कलाई खुल चुकी है। मैं चिल्ला चिल्ला कर आपकी साजिशों का भंडा फोड़ दूंगी और सबसे यही कहूंगी, इन तमाम जलील हरकतों के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। कैसे पिता हैं आप? आपके जुल्मों से तुमने कितने ही बेगुनाहों की जान ली होगी। आपके छल कपट धोखा फरेब ने कितने घरों को बर्बाद किया होगा। मैं एक ऐसे नीच और बदनीयत बाप की बेटी बनकर जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरा भी गला घोट दीजिए, मार डालिए मुझे। मैं पूछती हूँ, ये क्यों किया था आपने? ये किया है ये आपने? चुप रहो!
तुम पूछती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सुनो, मैं भी एक बाप हूं और वो भी उस मासूम बच्चे का बाप जिसकी मां नहीं है और जिसकी मां की ये ख्वाहिश थी कि उसकी बच्ची ऐश और आराम की जिंदगी बसर करे, और उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें एथेंस की महारानी बनाने के ख्वाब देखे। मेरी ये तमन्ना है और रहेगी कि तुम एथेंस की महारानी बनो। तुम्हें महारानी बनाने के लिए मैंने झूठ छल कपट धोखा फरेब सबका साथ दिया है और देता रहूंगा। तुम जानती हो कब तक? जब तक कि तुम एथेंस की महारानी ना बनो। जब तुम एथेंस की महारानी बन जाओ। एथेंस की महारानी, एथेंस की महारानी, मैं एथेंस की महारानी बनने से इनकार करती हूँ, इसलिए कि मैं हरकुलिस से प्यार करती हूँ और अगर शादी करूंगी तो हरकुलिस से। मैं कसम खाकर कहती हूँ, हरकुलिस को बचाने के लिए मैं मेलिस की सल्तनत का तख्ता उलट दूंगी। तुम हकीकत से गुमराह हो गई हो, मगर याद रखो तुम्हारा बाप तुम्हें कभी गलत कदम नहीं उठाने देगा। तुम्हारी शादी सिर्फ महलिस से होगी। नहीं, मैं उस नीच कमीने बेईमान से शादी करने की बजाय मर जाना बेहतर समझती हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ हरकुलिस से। हरकुलिस, 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 हमने तुम्हें अपनी होने वाली महारानी समझ के आज तक कुछ नहीं कहा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम अब भी कुछ नहीं कहेंगे। हम तुम्हें आज महाराज, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा महाराज, आप चिंता मत कीजिए। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे। कल तुम्हारे होश जरूर ठिकाने आ जाएंगे, जब तुम्हारी ही आंखों के सामने हरकुलिस मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हरकुलिस को बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी। Thank you.
देखना क्या होता है, देखना क्या होता है। हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और हम तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सके। सुबारो महाराज, सुबारो मेरी तो बस एक ख्वाहिश है पूरी करेंगे सुबारो, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम्हारे चरणों में मर रही, इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं पाऊंगी, लेकिन अगले जन्म में जरूर। रानी, रानी, हरकुलिस, तुम्हारी साजिश ने हमारे महामंत्री की जान ली है, तुम्हारे गुनाह और भी बढ़ते जा रहे हैं। माँ जी, हरकुलिस आपका भी गुनहगार है, हम चाहते हैं राज्य की रस्म के मुताबिक हर पुलिस से पहला बार आप करें। इस गुनाहगार का सब रखिए, हर करवाओ। मां, तुम ऐसा मत करो मां, दुनिया कुछ भी करे मुझे परवाह नहीं, मगर तुम ऐसा मत करो मां, नहीं तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। यही तो मैं चाहती हूं कि तुम ताप ताप कर मरो। मैं मरने से नहीं डरता मां, लेकिन मैं तुम्हारी नजरों से गिर गया हूं, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं मां कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। काश कि ये सच होता। कमीने हरकुलिस, हमने बड़े बड़े नालायक आदमियों को भी मौत के वक्त सच बोलते हुए देखा है, मगर तुम्हारे जैसा नालायक आदमी हम अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं जो मौत के वक्त भी झूठ बोलता जा रहा है, और वो भी अपनी मां के सामने। लानत है तुम पर। हरकुलिस पर यकीन करो, इसने किसी का खून नहीं किया, ये किसी का खून नहीं कर सकता, किसी का खून नहीं कर सकता। माँ, इस पर यकीन करो, ये सब झूठ है, परी से झूठ है। बकवास बंद कर। तुम जानते हो उसने किसी का खून नहीं किया, वो किसी का खून नहीं कर सकता। जान की मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो।
तुमसे मैं करूंगी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर छोड़ रुक जाओ, हर पुलिस इतना बेशर्म है कि इन पत्थरों से इसकी मौत का होना नामुमकिन है। सिपाहियों ले जाओ इसे और रथ के पीछे बांध दो, घोड़ों को इतना तेज दौड़ाओ कि जमीन से टकरा टकरा के इस बदन के चिथड़े चिथड़े हो जाए। इतना बेवकूफ नहीं जो अपने जाल में फंसे हुए शिकार को इतनी आसानी से छोड़ दे। हर पुलिस मारा जाएगा और जरूर मारा जाएगा। बेटा, इस जालिम के जुल्मों से अपने को बचाओ। इसकी चापलूसी बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ बड़ी बेइंसाफी की, मुझे माफ कर दो। हर पुलिस हर पुलिस अपने को किसी तरह भी बचा लो। तुम्हें अपनी माँ को दिए हुए वचन का वास्ता, अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश का वास्ता, जैसन की जिंदगी का वास्ता, बचा लो बेटा, अपने आप को बचा लो। वास्ता है उन गरीबों का, वास्ता है उन विधवाओं का, और वास्ता है उन तीन बच्चों का जो मैलिस के जुल्म सितम के शिकार हुए हैं। हर कोई उनका बदला लो, हर कोई उनका बदला लो। Ha 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 ha!
मैंने पिताजी की ख्वाहिश और तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा कर दिया, जैसन को राजा बना दिया। जैसन जिंदा, जैसन जिंदा, जिंदा।